तो चलिए, आजादी दिवस की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। 15 अगस्त इस बार हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इसको लेकर लाल किले पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की हर जगह जो है वो नजर है चप्पे चप्पे पर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप जाने, जवानों की तैनाती हर जगह कर दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तो वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस हर कोने पर सुरक्षा का खास ध्यान रख रही है। वहीं 15 अगस्त पर कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज सुबह 21 तोपों की सलामी की तैयारी की गई। जब एक साथ 21 तोपों से गोले दागे गए तो माहौल देखने लायक था। ये लगातार दूसरी बार है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी। ये लगातार दूसरी बार होगा जब लाल किले की प्राचीर स्वदेशी तोपों की धमक से गूंज उठेगी। 15 अगस्त को एक बार फिर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन की ताकत दुनिया देखेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हमेशा की तरह 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और भारतीय सेना ने इस खास अवसर के लिए तैयारी तेज कर दी है। इन स्वदेशी तोपों ने ब्रिटिश पाउंडर तोपों की जगह ली है। ये पहली स्वदेशी तोप है जिसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर है और ये प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकती है। 105mm लाइट फील्ड गन भारतीय फील्ड गन का सबसे बेहतर संस्करण है। ये तोप -27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री तापमान तक काम करने में सक्षम है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत आला अधिकारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुट गए हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।